हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक, फिट? यू आर फिट? ठीक है, तो आज फिर हम चर्चा शुरू करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फॉर दिस लेट्स रिलेशन बिटवीन एम एंड जी एंड रिलेशन बिटवीन ए एंड जी एम। दो चीजों की भी रिलेशन निकालनी है, ए एंड जी एम, यानी कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच रिलेशन निकालनी है। किसे निकालनी है? डेट लेट टू पॉजिटिव नंबर, लेट टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, लेट टू पॉजिटिव नंबर एंड बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, लेट टू नंबर ए एंड बी ए ग्रेटर देन बी द अर्थमेटिक मीन, देयर अर्थमेटिक मीन, देयर अर्थमेटिक मीन विद ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन विद जी इज इक्वल टू रूट ए बाई द रिलेशन बिटवीन ए एंड एम मीन में ए एंड जी एम मीन जी, जी इक्वल टू रूट ए प्लस बी। इफ एंड बी आर रूट ऑफ द इक्वेशन इफ एंड बी आर रूट ऑफ द इक्वेशन इफ ए एंड बी आर क्या इफ ए एंड बी आर रूट ऑफ द इक्वेशन देन इक्वेशन क्या आ गई? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। इफ ए एंड बी आर रूट ऑफ द इक्वेशन देन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। देन वी हैव फॉर दिस वी हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस टू में कॉमन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। वी हैव दैट फॉर दिस इफ ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी मीन्स टू ए एक्स, ए प्लस बी मीन्स इक्वल टू टू ए एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस टू ए एक्स एंड ए बी मीन्स जी स्क्वायर, ए बी मीन्स वी हैव दैट ए जी इक्वल टू रूट ए बी फॉर दिस ए बी इक्वल टू जी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू जी बी। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स देन वी बाई द धराचार्य फॉर्मूला व्हाट इज द रूट ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू धराचार्य फॉर्मूला में क्या आ गया? एफ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस टू। क्या जाएगी भैया? हैंस एक्स क्या जाएगी? एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स वैल्यू इक्वल टू ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी। ए प्लस ए स्क्वायर माइनस के जी। इट मीन्स द वी कैन से देयर आर द टू रूट ए प्लस एंड
एक तो ये रूट हो गए भैया, एक ही रूट हो गए, दो रूट हो गए ऑफ द दो इफ क्वाड्रेंट। मान ले ए रिलेशन बिटवीन ए एंड जी एम के क्या हो गए, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस जी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये रूट हो गए किसी भी इक्वेशन के। आए थे ना, और कुछ, और अगेन अब आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई, इफ जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई, ऑफ एक्स एंड वाई, ऑफ एक्स एंड वाई, इफ जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, देन प्रूव दैट इसकी प्रूव करनी है, किसकी वैल्यू प्रूव करनी है, वन अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन जी स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वो जी स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। इफ देर आर एक्स एंड वाई आर द ज्योमेट्रिक मीन, जी जी मीन्स देन वी हैव जी इज इक्वल टू एक्स वाई, इज इम्प्लाइज दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, पुट दिस वैल्यू हियर, वी हैव एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ये ले लो पहले, यही ये वैल्यू लिख ली पहले, वन अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर की वैल्यू वन अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस के वन। ये क्या हो गई भाई, इसकी वैल्यू इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया, y कॉमन ले गया, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, ये x माइनस वाई ले, ठीक। अब इन दोनों में क्या कर लिया, x माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहां x माइनस है, वाई माइनस माइनस आ जाएगा यहां से, क्या कर वन अपॉन x माइनस वाई, ये क्या माइनस वन अपॉन x प्लस वन अपॉन y, वन अपॉन x प्लस वन अपॉन y, इन दोनों में क्या आ गया, कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, फिर इन दोनों क्या ले रहे हैं, वन अपॉन जी स्क्वायर, वन अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन जी स्क्वायर, इट इज द आर एच एफ, इट इज द हैंस इज गिवेन एक्स एंड वाई, इसको याद कर लेना, जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन जी स्क्वायर, इसका आंसर होगा, ठीक है भाई।
आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है भागे? इफ ए एंड बी एम बिटवीन टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ एम, इफ द ए एम एंड जी एम बिटवीन टू नंबर आर इन द रेशियो इफ द इफ ए एम एंड जी एम बिटवीन टू नंबर आर इन द रेशियो एम इज टू एन देन प्रूव दैट द नंबर इन द रेशियो देन प्रूव दैट the number or in the ratio then the proof that the number or in the ratio ये इस रेशियो में नंबर होंगे। लेट इसका आंसर है लेट ए एंड जी आर द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रेस्पेक्टिव। अभी बताया अगर ए और जी अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन हो ही गिविन सीरीज का देन वी दैट ए इक्वल टू क्या जाएगा दो नंबर होंगे ए इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस जी बी इक्वल टू ओ टू नंबर ए एंड बी दो नंबर दे रखे ए एंड बी उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है ए प्लस ए स्क्वायर माइनस जी और बी इक्वल टू क्या आ गया ए माइनस ए स्क्वायर माइनस के जी ए तो ये आ गया ए प्लस ए स्क्वायर माइनस जी बी क्या आ गया ए माइनस ए स्क्वायर प्लस जी और गिविंग दैट क्या देखा उनका रेशियो कितना की देखा गिविन दैट क्या गिविन है ए अपॉन जी इक्वल टू ए अपॉन जी इक्वल टू एम प्लस एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर ये आ गया। अब गिविन दैट ये देगा ए अपॉन जी इक्वल टू आ गया ये दे रखा है क्या गिविंग दे रखा एम और एन रेशियो दे रखा क्या इन द रेशियो अपॉन जी क्या दे रखा ए अपॉन जी इक्वल टू एम अपॉन एन ए अपॉन जी इक्वल टू एम अपॉन एन यहां से क्या आ गया
A equal to, it implies that A equal to M K और G equal to N K. इनका कोई मल्टीपल होगा, जब ये रेशो में है M मल्टीपल K, अरे N N मल्टीपल है K, N मल्टीपल है K. A equal to M K and G equal to N K. और गिविंग दैट है A upon B, क्या आएगा ये, वी हैव A upon B equal to A plus A square minus G upon A minus A square minus K G. A, A की वैल्यू क्या है एम के और बी की वैल्यू क्या है एन के, ये रख दूंगा सबकी वैल्यू. एम के प्लस एम का स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस जी, माइनस क्या आता है ये जी नहीं जी स्क्वायर आएगा ये. ठीक है, अगर पहले स्क्वायर ने लिखा तो जी स्क्वायर कर लेना भाई. ठीक है, प्लस एन के माइनस जी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई एम के माइनस एम का स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर ए का स्क्वायर. अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा, ऊपर के कॉमन ले लूंगा, के स्क्वायर बाहर किया जाएगा, चाहे के एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, नीचे भी के कॉमन ले लेगा सारे में से, क्या आएगा एम माइनस इससे गया, हेंस द रेशियो विल बी एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, हेंस द रेशियो विल बी द इसके. अब देखते हैं आगे, इसको याद कर लेना दैट इफ ए इज द एम, इफ ए इज द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी, ऑफ बी एंड सी, इफ ए इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी एंड टू ज्योमेट्रिक मीन्स आर जी वन जी टू एंड टू geometric means are g1 and g2, two geometric means are g1 and g2, then prove that g1 ka cube plus g2 ka cube equals to 2abc. अगर अर्थमेटिक मीन ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी हो, इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दो जी वन जी टू है तो रिलेट लेना को, देन जी वन का क्यूब जी टू का क्यूब इक्वल टू टू ए बी सी, देन तो ये होगा देन जी वन का क्यूब प्लस जी टू का क्यूब इक्वल टू टू ए बी सी, यानी पहले का ज्योमेट्रिक मीन क्यूब प्लस दूसरे दोनों का सम क्या होगा टू ए बी सी, ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी.
इस तरह के बराबर हो जाएगा, रिजल्ट में यहां से ठीक है भाई। अब क्या है, सम ऑफ जियोमेट्रिक मीन जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी विद द फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म कितनी है ए कॉमन रेशियो इज आर, कॉमन रेशियो आर देन एफ एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, देन एफ एन इज इक्वल टू एन ए आर की माइनस एन अपॉन वन एंड एफ एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, एफ एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर। इफ आर इज इक्वल टू एन, इफ आर इज इक्वल टू क्या है वन हो जाएगा, इफ R is equal to 1, then sum of n terms S n is equal to n A. If R is equal to 1, then the sum of n term is equal to S n is equal to n A. देखो S n is equal to A R की पावर n minus 1 upon R minus 1. एफ एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर अपॉन वन माइनस आर, इफ आर इज इक्वल टू वन देन द सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू एन ए। ये कब है, इफ आर इज ग्रेटर देन वन, ये कब है इफ आर इज ग्रेटर देन वन, इफ आर इज लेस देन वन, ये तीन फॉर्मूले हो गए। अगर आर की वैल्यू एक होगी तो एफ एन क्या होगा एन ए, एफ एन क्या होगा एन ए, और नहीं तो क्या जाएगा यह आ जाएगा। जैसे ये आया कहां से है, अगर इसको प्रूव करना है कि आया कहां से है, इसे प्रूव भी कर सकते हैं, कभी दिखाऊंगी कहां से आया प्रूव, ये देखो कहां से आया, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इसको कहां से आया देखो, ये क्या है प्रूव, लेट एन टर्म का, एन टर्म का सम ये है, एन टर्म्स हैं, एन टर्म इनका सम निकालना है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर ए आर का क्यूब अब टू ए आर की पावर एन माइनस वन, ये एफ एन निकालना है, क्या निकालना है एफ एन, इन दोनों तरफ से क्या कर दूंगा मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आर एफ एन इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर ए आर का क्यूब ए आर की पावर फोर अब टू ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन। इन दोनों से माइनस कर दूंगा मैं, क्या आएगा एफ एन माइनस आर एफ एन इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से, ये भी इससे कैंसिल, ये भी इससे, इससे क्या आएगा ए माइनस ए आर की पावर एन माइनस क्या आएगा ए माइनस ए आर की पावर एन, इन दोनों से एन कॉमन ले लिया वन माइनस आर
ए कॉमन ले रहे, क्या होगा वन माइनस आर की पावर एन, तो एफ एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। सिमिलरली इफ वी दैट ए आर एफ एन माइनस वन, ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दिस टर्म्स विल बी गेट बाई इफ वी सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, इफ इट इज कन्वर्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड देन वी गेट एफ एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दोनों माइनस को मिले एक ही बात है, ठीक है भाई। तो ये आ गया फॉर्म, अब आ गया जैसे एक क्वेश्चन लगा सकते हैं आपके ऊपर, जैसे क्या क्वेश्चन है, जैसे ये इफ एफ इज द सम ऑफ लेट एफ इज द सम इज द प्रोडक्ट is the product and R is the sum of reciprocal. And R is the sum of reciprocal of n terms in GT of n terms in GT. F is the sum, P is the product, R is the sum of its reciprocal of n term in GT. Then P square R is then P square, then prove that then sum P square is equal to R ki power P square R की पावर n, P square is equal to R की पावर n, F की पावर n. ये प्रूव करना है, P square R की पावर n is equal to F की पावर n. Let solution क्या है इसका, Let A R का स्क्वायर A R का क्यूब ए आर की पावर एन माइनस वन इज एन जीपी, एक जीपी है, एक जीपी है तो क्या जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये आ गया प्रोडक्ट, क्या आ गई इसकी, पी इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर ए आर का क्यूब ए आर की पावर एन में रूट, एक कितनी एक कितनी जगह है, एक एक जो है एन जगह है, वन ए वन वन क्या है ए की पावर एन, क्या जगह ये पी इज इक्वल टू ए की पावर एन आर की पावर वन टू थ्री फोर प्लस एन माइनस वन, इसका क्या आ गया, इसका सम आ गया, इसका क्या आ गया, इसका सम आ जाएगा, सम इसका क्या आ जाएगा, देखो सम ऑफ एन टर्म्स एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, लेकिन एन की जगह क्या है एन माइनस वन है, क्या ए की पावर एन आर की पावर एन इंटू एन प्लस वन, यानी एन की जगह माइनस वन और एन अपॉन टू, ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस वन बाई टू, एंड आर इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल, ये तो मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, ये तो फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये कैसी वैल्यू आ गई है सेकंड वैल्यू आ गई,
वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए आर प्लस वन अपॉन ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर की पावर एन माइनस वन, इसका सम ऑफ एन टाइम का क्या आएगा वन अपॉन आर आर इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन अपॉन आर माइनस वन, यह आएगा क्या आएगा वन अपॉन ए जी के टू क्या आएगा ये आर की पावर एन माइनस वन, क्या आएगा ये वन अपॉन ए नीचे आर की पावर एन माइनस वन, ये आर और एन माइनस नीचे आएगा क्या आएगा आर की पावर एन माइनस वन और वन माइनस आर, ये आ गया। अब इसकी जो है इनके एलएचएस में वैल्यू रख लो क्या है क्या रख लूंगा पी है पी स्क्वायर आर की पावर एन, गिवन क्या है पी स्क्वायर आर की पावर एन, पी पी की वैल्यू कहाँ है ये रखी है पी की वैल्यू ए की पावर टू एन आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन स्क्वायर जैसे रहेगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन ये क्या आएगा आर की पावर एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू ए की पावर एन माइनस वन ये इसको सोल्व कर लेंगे क्या आएगा सोल्व करके ए की पावर एन क्या आएगा ए की पावर एन आर की पावर आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर माइनस वन इसकी पावर एन ए की पावर आर और एन माइनस वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन ये क्या आएगा ये आएगा एक्स की पावर एन, क्या आएगा ये एक्स की पावर दैट इज पावर। अब आगे देखते हैं भाई आगे क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म
x plus 1 by x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, इसकी पावर जो है ये अन स्क्वायर है, इनका सम निकालना है। क्या निकालना? फाइंड द सम ऑफ दिस स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ दिस स्क्वायर, लेट इट इज द सम ऑफ एन टर्म इज लेट लेट एस एन का सम क्या आ गया? ये आ गया लेट एस एन इक्वल टू फोर डी, इट विल बी ओपन ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दैट वी हैव इट मीन्स इससे जाएगा ये क्या आएगा, एक्स की पावर एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर सिक्स, इक्वल टू क्या जाएगा ये एन टर्म्स निकाल लिया, एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया, फिर इनमें से मैंने कौन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया इनमें से, फिर इनका एलसीएम ले इनका फॉर्मूला लेगा ए माइनस आर और एन माइनस वन, दोनों प्लस भी है भैया, ए ए की वैल्यू क्या है वन है, आर और एन माइनस वन क्या रहेगा ए इंटू आर और एन माइनस वन, ये आ जाएगा भैया अच्छा। और देखो जब यहां से गए टू 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 टू, ये भी तो ये तो बचेगा बेटा, ये क्या हो गया टू 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 टू, क्या हो जाएगा टू प्लस टू एन टाइम्स टू प्लस टू एन टाइम्स टू एन, ये क्या आ गया टू एन, क्या आ गया ये प्लस के टू एन प्लस के टू एन,
मुझे क्या आगे भैया ये वन माइनस एक्स पावर टू एन अपॉन एक्स पावर टू एन नीचे आ जाएगा यो, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस स्क्वायर प्लस टू एन। देखो भाई इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, फिर इसमें से कॉमन ले लूंगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर एन टू एन माइनस वन दोनों में से फिर कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या आ गया एक्स की पावर टू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन ले गए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर टू एन क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, अरे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, एक यहाँ माइनस एक निश्चित प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स पावर टू एन और प्लस के एन ये प्लस के टू एन चला जाएगा। देखो भाई क्या है ये, इसका सम का सबका सीरीज निकालनी है, इन सबका लेट एन लेट एन टर्म ऑफ सम इज लेट एन एक्स टर्म सम इज एफ एन इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का ये आ गया एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया ये आ गया। अब इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर प्लस एक्स पावर सिक्स, अब ये ले लिया एक्स पावर एन, फिर वन पोन एक्स स्क्वायर वन पोन एक्स पावर फोर वन पोन एक्स पावर टू एन ले लिया, फिर टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू एन टाइम्स आ गया, टू प्लस टू एन टाइम्स तो क्या टू एन आ गया, फिर इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ये आ गया, फिर इसमें से वन बाई एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ये आ गया, फिर आ गया जी पी आ गई ए ए ए वन है फर्स्ट टाइम आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें ए वन है आर क्या है वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसकी सर ए आर और एन माइनस वन आर माइनस वन इसी भी ये लग गया, इसको सोल्व कर लेंगे ऊपर नीचे रख के ये आ गया, फिर एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स की पावर टू एन एक्स वन माइनस स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया ये आ गया एंड दैट इज द अमाउंट, ये इसका अमाउंट। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब जैसे अब एक और क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द सम ऑफ
इसका सम ऑफ द एन टर्म्स निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ द एन टर्म्स निकालना है, क्या आ गया, वन प्लस टू प्लस टू प्लस टू पावर फोर, टू एन टर्म्स, टू एन टर्म्स, इनका सबका एन टर्म्स निकालना है। देखो भाई, अगर मान लिया कोई सीरीज, मान लिया लास्ट टर्म एन एनथ टर्म है, तो क्या लेते हैं, वन प्लस टू प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का पावर थ्री अब टू टू की पावर एन माइनस है, एनएस टर्म आ गया, इसका सम क्या आ गया, इसका इसका सम क्या आ गया, टी एन इक्वल टू ए इंटू वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन अपॉन आर माइनस एन, आर कितने एन है ना, आर गया टू, और सम ऑफ एन टर्म एस इक्वल टू एस वन इक्वल टू टी वन, टी वन की वैल्यू क्या है, टी एन इक्वल टू टू एन की, टी वन क्या आ जाएगा, टू माइनस वन, टू माइनस वन क्या आएगा, टू वन माइनस वन, टी टू टू की और टू माइनस टू, टी थ्री टू की और थ्री माइनस वन, टी फोर टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री देखो, इसका जो है मान लिया कि एनएट टर्म ही है, ये यहाँ से ले रही थी एनएट टर्म, ये एनएट टर्म मान लिया ये है, एनएट टर्म का क्या सम क्या आ जाएगा, ए इंटू आर माइनस वन आर माइनस वन, ये हो गया टी एन इक्वल टू, ये इनका सम निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, सम सम क्या होगा इनका, पहली टर्म दूसरी तीसरी चौथी, फर्स्ट टर्म का क्या आ गया एन एनवेट टर्म क्या आ गया, फर्स्ट टर्म ये आ गई एस टू रख के यहाँ आ जाएगी, टी टू फिर ये रख के आ जाएगी, अब ये टू की पावर वन टू की पावर टू टू थ्री टू की पावर फोर टू, ये सब क्या ले रहा है, पहले ले रही है, इसके बाद क्या करें हमने, फिर ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, कब क्या आ गया, अब टू एन टर्म्स आ गया, तो टू इंटू टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन माइनस एन, तो ये आ गया टू इंटू टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू माइनस एन, ये इसका आंसर है, ठीक है भाई, आगे बढ़े,
then using the sum of GP, using the sum of GP, using the sum of GP, prove that A power n plus B power n, A, B belongs to n. Using the sum of GP, prove that A power n plus B power belongs to n, A belongs to n. Using the sum of GT, prove that A ki power n, A, B, n belongs to n, is divisible by A, B. Is divisible by A plus B. Ye jo A ki power n plus B ki power n hai, ye divisible by kahan se ho jayega? A plus B se divisible ho jayega. Then, for odd number n, then prove that yeah, prove karna hai 1 to power n, 1 to power 99, 2 to power 99. Using the sum of GT, prove that the A is A belongs to N, belongs to N. It divided by A plus B for odd number, and then prove that 1 power 99 plus 2 power 93 is divided by B. You prove that this is 100, 100, 100, 100, 100. इससे डिविजिबल होगा. अच्छा, गिविंग दैट है ए की पावर एन डिविजिबल बाय एन, ए की पावर एन, ठीक है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये डिविजिबल करना है. ये करा तो लिख देंगे भाई, ए की पावर एन अपॉन प्लस बी पावर एन. इन दोनों में क्या कर लेता हूं मैं, ए की पावर एन कॉमन ले लेता हूं, क्या आ जाएगा, वन प्लस b अपॉन a की पावर n अपॉन, इन दोनों से क्या कॉमन ले, नीचे a कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, a. अच्छा, अब दे रखा फोर ओड नंबर n, फोर ओड नंबर n. अच्छा, n अगर ओड नंबर है तो माइनस की पावर ओड कितनी होती है, माइनस, और माइनस की पावर इवन कितना होता है, प्लस, ई वन की पावर माइनस की पावर, अगर ई होता है तो प्लस होता है, माइनस की पावर ओड होता है तो क्या होता है, माइनस होता है. अब ये आ गया ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, वन प्लस ए बी अपॉन ए की पावर एन की पावर एन, ठीक है भाई. इसको क्या करा मैंने, ए की पावर एन माइनस वन तो जी को ले लिया, इसे पढ़ लिया वन, इसे करा वन माइनस माइनस बी अपॉन a की पावर n अपॉन a वन माइनस माइनस b अपॉन a. ठीक है भाई,
अब इसको वन माइनस बी ए को वन माइनस बी और एन से अगर इसको डिवाइड करता है क्या आ जाएगा, वन माइनस क्या आएगा, वन माइनस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस बी ए अपॉन ए का क्यूब प्लस बी ए अपॉन फोर का फोर ये क्या जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन बाहर चला जा रहा है, ए की पावर एन माइनस वन के अंदर मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन माइनस ए की पावर एन माइनस टू ए की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर एन माइनस वन जी की पावर एन माइनस वन माइनस वन की पावर एन माइनस वन बी अपॉन की एक बी अपॉन ए की पावर एन माइनस वन माइनस वन की पावर एन माइनस वन बी ए बी अपॉन ए की पावर एन माइनस वन ये क्या आ जाएगा, यहां माइ ए की पावर एन माइनस वन माइनस वन की पावर एन माइनस वन बी की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन से माइनस वन की पावर एन माइनस वन बी की पावर एन माइनस वन माइनस वन की पावर एन बी की पावर एन माइनस वन विच इज, देखो ये क्या आएगा हमेशा ये इंटीजर होगा, ये सारे क्या होगा, विच इज इंटीजर इट मीन्स दैट ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर सम ऑफ इंटीजर और डिफरेंस विल बी ऑलवेज द इंटीजर इट मीन्स क्या आएगा विच एन क्या आएगा विच इज इंटीजर क्या है वी इट इज क्लियर अबाउ सीक्वेंस इज एन इंटीजर हैंस ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज डिवाइड बाई ए की पावर एन माइनस वन ए प्लस बी अब देखो अब ये से डिवाइड है ए प्लस बी को अभी ए प्लस बी से डिवाइड है तो अब इसका किसका करना है इसका सम करना है ये वन की पावर 99 टू की पावर 399 थ्री की पावर 99 ये आ गई अब इसको मैंने लास्ट और फर्स्ट टर्म को इन्हें इकट्ठे कर लिया क्या आ गया ये फर्स्ट की पावर 99 प्लस टू की 100 की पावर 99
ये एप्सिलॉन लिख दिया, 1 की पावर 99 प्लस 100 की पावर 99 बिकॉज ईच ब्रैकेट ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 101, ईच डिविजन इज अच्छा ये क्या, 1 की पावर 99 प्लस 199, 2 प्लस 99, 99 की पावर 99, ये देखो ये जो है कितने से है, ये डिविजिबल बाय 101, इज डिविजिबल बाय 101, इज डिविजिबल बाय 101, ये 101 ईच ब्रैकेट डिविजिबल बाय 101, हेंस द सम इज डिविजिबल बाय 101, ईच डिविजिबल ईच ब्रैकेट इज डिविजिबल बाय 101, हेंस द सम ऑफ दिस ब्रैकेट आल्सो इज डिविजिबल बाय 101, इज डिविजिबल बाय 101. अच्छा भाई, और इसमें जो बचेगा अभी एक और बचेगा, क्या बचेगा, एक तो 59, 50 प्लस 99 बचेगा, क्या बचेगा, एक तो बचेगा क्या आत्मा, देखो इसका जो है 2, 3, 50 का तो 100 किताब होने नहीं है 101 लाने के लिए, 50 प्लस 99 और एक क्या बचेगा इसमें 100 की पावर 99. ये दोनों जोड़ आ गए, तो ये तो 50 प्लस 109 प्लस 100 और 99, अब इसको क्या कर देगा मैं, ये नहीं है, अब इसको अब क्या कर सकता हूं मैं, 1 प्लस 99 प्लस 99 पावर 99, ओके 100 कर लिया, इधर क्या कर लिया 2 की पावर 99 ये क्या आ गया 99 प्लस इस तरह क्या आ गया 15 पावर, ये समझे ये बच जाएगा, ये 1 और 99 टू और 39 199 ये किससे डिविजिबल होगा, ईच ब्रैकेट इज डिविजिबल बाई 59 की पावर एंड 100 की पावर 99, ये डिविजिबल किससे था, ये डिविजिबल था ईच ब्रैकेट इज डिविजिबल बाय 100 बाय डिविजिबल बाय, इससे डिविजिबल था ये था 101, ईच डिविजिबल ईच ब्रैकेट इज डिविजिबल बाय 101 एंड द बिलो सीक्वेंस इज ईच डिविजिबल बाय 50 की 100 की पावर 99, हैंस द सम इज डिविजिबल बाय आल्सो 99, तो ये कितने डिविजिबल होती है, 100 की पावर 99, तो दो सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय, यानी 100 से डिवाइड हुए किससे, डिविजिबल बाय इससे जगह 100 मल्टीप्लाई
and it will be divided by 101 कि 0 0, this will be the divided by, देखो using the sum of GP, ये an plus bn है, ये इसका ये कर लिया, इसको जो odd है तो इसको इस तरह कर लिया, कोई difference फर्क नहीं पड़ता है, एक और n minus one इससे से डिवाइड करके ये आ गया, तो एक पावर n ये आ गया, इसका मतलब क्या है, ये सीरीज जो है क्या, ये इंटीजर है सारे, अगर इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करें इंटीजर आ रहा, दैट इज विच द डिविजिबल हो गया। अब एक बार तो ये करा और इसे 99 को ले लिया, साथ 100 को, क्योंकि साथ 99 को ले लिया, तो ये सारा किससे डिविजिबल हो गया, 100 1 से, इसी तरह 1 के साथ 99 को ले लिया, क्योंकि साथ 98 को, 3 के साथ 50 99 199, ये ईच ब्रैकेट विल बी डिवाइडेड बाई 50 99 और 109, ये डिविजिबल बाई 9 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 थे, 100 वन थे, एंड तो दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ईच विल बी टू द 101 00 से डिवाइडेबल होगा। तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टाइम ऑफ जीपी एस इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, आर इज लेस देन वन, आर इज लेस देन, आर की वैल्यू जीरो और वन के बीच लाई करेगी, दैट विल बी टू द सम ऑफ एन जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी एस इज इक्वल टू ए अपॉन आर वन माइनस आर, एक क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 120 मीटर, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 120 मीटर आफ्टर स्ट्राइकिंग ए फ्लोर, आफ्टर स्ट्राइकिंग ए फ्लोर द बॉल रिबाउंड्स 4 by 2, द बॉल रिबाउंड, द बॉल रिबाउंड्स 4 by 4 ऑफ द हाइट, फ्रॉम इच वॉट, इट वॉच फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड, फ्रॉम इट वॉज ड्रॉप्ड then find the total distance
then find the total distance that it traveled before coming rest. A ball is dropped from the height of 120 meter after striking a floor at a ball bound back rebounds 4 by 5 of the height from the from which it was dropped, then the find the total distance that it traveled. जो इनिशियली जो हाइट है जो जो इनिशियली हाइट है वो कहां पे है वो कितनी है 120 है 120 से हाइट एक स्टिक जो है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 120 मीटर अब इसको रिबाउंस अगर ये जब फ्लोर पर आई तो इसका 4 बाई 5 हो जाएगी रिबाउंस हो जाएगी तो रिबाउंस कितनी हो जाएगी रिबाउंस कितनी हो जाएगी रिबाउंस रिबाउंड कितने आएगी 4 बाई 5 इंटू 120 कुछ ना जाएगा ये आएगा और फिर दोबारा फिर इसका फिर इसको जो है फिर इसको कह रहा दोबारा फिर क्या गया फिर क्या अगेन रिबाउंडेड फिर दोबारा राउंड क्या आएगा 4 बाई 5 मल्टीप्लाई 4 बाई 5 इंटू 120 ये आ गया और ये जब तक के चलता रहा जब तक के टिल कमिंग टू द रेस्ट जब तक के चलता रहा जब तक के अगले में क्या जाएगा ये 4 बाई 5 इंटू 120 इंटू 4 बाई 5 ये जब तक के चलता रहा कंटिन्यूअस बॉल यहां से यहां आई फिर ये वापस 1 बाई 5 फिर यहां से आई फिर यहां से आई यहां से आई ये जब तक के चलता रहा जब तक के बॉल रेस्ट में नहीं आ गई यहाँ रेस्ट में नहीं आई तो पहले बार तो 120 है इनिशियली इनिशियली हाइट कितनी है 120 से तो ये गिरी ये यहाँ से यहाँ तक 120 फिर पहले में क्या आ गई 4 बाई 5 इंटू 120 4 बाई 1 तो हैंस टोटल हाइट ये हैंस टोटल हाइट ये 120 प्लस 4 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 का होल स्क्वायर 120 प्लस 4 बाई 5 का क्यूब 120 क्यूब एंड सो इट मीन 120 फिर दोनों सारे में से कॉमन ले लिया सारे में से क्या कॉमन ले लिया मैंने बस मैं क्या जाएगा 1 ए 120 प्लस 120 ए अपॉन 1 माइनस आर आ जाएगा ये उसको सॉल्व कर लेंगे क्या जाएगा इसका आंसर बताओ ए इंटू 1 माइनस आर 120 इंटू 1 बाई 4 बाई इंटू 1 बाई 4 बाई ये क्या इसे सॉल्व कर लेंगे क्या जाएगा ये आज ये आगे 180 मीटर आज के लिए ठीक है ये आगे तो इतने रिबाउंड होगी तो रेस्ट में आ जाएगी ये जीपी आगे जीपी का ये फोन आज सामने लगा देंगे तो ये जाए इतनी हल्के में मान लिया 120 से गिरा पहली बार में 120 गिरा फिर 4 बाई 5 120 की ये जब तक ये रेस्ट में नहीं आता जब तक ये चलता ही जाएगा ये टोटल ट्रेवल डिस्टेंस कितनी आ गई इनका सम कर लेंगे उसका ये फोन आ जाएगा फ्रेंड्स That is 108 किलोमीटर ठीक आज के लिए इतना ही है थैंक्स बेस्ट ऑफ लक ठीक है